नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। लद्दाख की गलवान घाटी भारत और चीन के बीच सैन्य झड़प में कई जवानों के शहीद होने के बाद पूरे देश में चीन के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी है। ऐसे में चीन को सबक सिखाने के लिए अचानक से देश में बॉयकॉट मेड इन चाइना की मुहिम तेज हो गई है। बताते चले कि कारोबारियों ने भी केंद्र सरकार से मांग की है कि वो ई कॉमर्स कंपनियों को चीन में बने सामान की बिक्री बंद करने का आदेश दें। चीनी प्रोडक्ट्स के बाद अब बॉलीवुड फिल्मों को चीन में रिलीज होने से रोका जा सकता है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से बॉलीवुड फिल्में भी चीन में रिलीज होती आ रही हैं और वहाँ अच्छा कारोबार भी करती हैं, फिर चाहे दंगल हो, अंधाधुन या फिर सुपर थर्टी। लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल देखते हुए बॉलीवुड फिल्मों को चीन में रिलीज होने से रोका जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो चीन को इसका काफ़ी नुकसान झेलना होगा। बॉयकॉट चाइना सुनते ही चीन की बौखलाहट बढ़ती नजर आ रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट के जरिए लिखा है, चीनी सामान का बहिष्कार ना करें। बॉयकॉट चाइना सुन शायद उसे पहले ही अंदाजा हो चुका है कि जिस तरह भारतीयों ने चीनी समीक्षाओं से जुड़ी कंपनियों के साथ अपनी बुकिंग रद्द करने शुरू किए हैं, तो कहीं भारतीय फिल्मों पर भी रोक ना लगा दी जाए। तभी तो बॉयकॉट चाइना सुनकर चीन को इन आवाज़ों से दिक्कत हो रही है।